अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने एयरिंग्स की कलेक्शन, जो कि मेरे पास थोड़े से एयरिंग्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एयरिंग्स अपने। ये वाले एयरिंग्स मैंने मंगवाए थे ज़ीन से, बड़ी अच्छी सी इनकी पैकिंग थी, बबल रैप में ये आए थे और ये इस तरह के बने हुए हैं। ये फॉर्मली पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट मेरे पास हैं ये वाले स्टाइलो के एयरिंग्स, ये इस तरह से झुमके स्टाइल में बने हुए हैं और ये प्लेन ड्रेसेस के साथ बहुत एलिगेंट लगते हैं। नेक्स्ट हैं ये वाले एक क्लाइव के एयरिंग्स। ये वाले जो एयरिंग्स हैं ये मल्टी कलर के हैं और इस तरह से ये बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एयरिंग्स हैं लाइक दिस वन। ये वाले भी क्लाइव के हैं या फिर इसको सी लाइव कहते हैं। ये इस तरह से हैं, ब्लैक एंड ग्रे। नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे से स्टड्स हैं जो कि आम बंदा कैजुअली पहन सकता है किसी भी ड्रेस के साथ। ये इस तरह से हैं, इनमें से कुछ स्टोन्स वाले हैं और कुछ विदाउट स्टोन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ये वाले इयररिंग्स हैं, ये मल्टी कलर के हैं और ये फॉर्मली एंड कैजुअली दोनों तरह से पहने जा सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास हैं ये वाले क्यूट से एयरिंग्स। ये वाले एयरिंग्स मैंने लिए थे लास्ट ईयर यानी 2 ईयर्स बैक में टूर पे गई थी और मैंने ये नारान से लिए थे। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, ये एंटीक में बने हुए हैं। ये देखिए, और नेक्स्ट वाले जो एयरिंग्स हैं ये वाले हैं, ये भी क्लाइव के हैं, ये इस तरह के हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को अपने कुछ छोटे छोटे एयरिंग्स दिखाती हूँ। ये वाले एयरिंग्स हैं, ये मैंने स्टाइलो से लिए थे आई थिंक 2 or 3 ईयर्स बैक। इसके ऊपर एक छोटी सी ऐसे लूप बनी हुई है और नीचे ये स्टोन है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाले इयररिंग्स हैं, ये काफ़ी प्यारे से हैं। ये मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे और ये फॉर्मली पहन सकते हैं आप किसी भी इवेंट में। नेक्स्ट मैं आपको कुछ और इयररिंग्स दिखाती हूँ। ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये छोटे छोटे से हैं, आप कैजुअली आराम से पहन के जा सकते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज। ये वाले इयररिंग्स हैं, ये छोटे से स्टड्स हैं ब्लू एंड रेड, और इसके बाद हैं एक ये वाले ब्लैक एंड वाइट में। ये मैंने लिए हैं स्टाइलो से। और उसके बाद हैं एक ये वाले मून शेप में और ये भी मैंने स्टाइलो से ही लिए हैं। नेक्स्ट हैं ये वाले एक गोल्डन में, बहुत ही प्यारे से ये पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इयररिंग्स हैं, एक ये वाइट में हैं, छोटे छोटे से लूप्स टाइप बने हुए हैं बट ये टॉप्स टाइप हैं। और ये वाले मुझे बहुत ही क्यूट लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं एक ये वाले इयररिंग्स, इस तरह से लूप्स फॉर्म में बने हुए हैं। ये भी स्टाइलो के हैं। इस टाइम मैं आपको अपनी स्टाइलो की कलेक्शन मेनली दिखा रही हूँ। और ये वाले जो हैं ये उसी तरह के गोल्डन की तरह के ही हैं बट कलर चेंज हैं। ये दोनों कलर ही बहुत अच्छे हैं। ये तो कलर आप बहुत सारे ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं बट ये ज़रा स्पेसिफिक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं एक ये वाले इयररिंग्स। ये वाले इयररिंग्स जो हैं झुमके स्टाइल में हैं, सिल्वर में। और उसके बाद हमारे पास हैं एक ये वाले इयररिंग्स, इसके ऊपर क्यूट सी बटरफ्लाई बनी हुई है। और उसके बाद हमारे पास हैं एक ब्लडी रेड कलर के इयररिंग्स, ये बिल्कुल इसी तरह के हैं। ये तीनों कलर एक जैसे ही हैं बट कलर्स चेंज हैं इनके।
और नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इयररिंग्स हैं, एक ये वाले इयररिंग्स हैं, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये बहुत ही क्यूट से छोटे से इयररिंग्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक ये वाली स्टाइलो की बालियाँ, ये भी बहुत ही प्यारी लगती हैं पहनी हुई। ये है हमारे पास जिंक एंड रेड का कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी झुमकी की कलेक्शन। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ और इयररिंग्स। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी झुमकी की कलेक्शन। ये मैंने बॉक्स बकायदा इयररिंग्स रखने के लिए लिया था। अक्सर आपने ये बॉक्सेस देखे होंगे, इनमें अक्सर बटन्स वगैरह स्टोर होते हैं। तो सबसे पहले दिखाती हूँ झुमकी की कलेक्शन। मेरे पास ये झुमकी की कलेक्शन है। पहले एक पैकेट ओपन करते हैं और फिर दूसरा। ये देखिए, ये मेरे पास डिफरेंट टाइप की झुमकी हैं। ये एक वाइट में है, सेम इसी तरह की मैंने ब्राउन में भी ली हुई हैं, कॉपर एंड ब्राउन कलर में, और एक इसी तरह की मेरे पास मल्टी में है। ये देखिए, मुझे जो झुमकी की कलेक्शन अच्छी लग रही हो या जो डिज़ाइन मुझे पसंद हो, मैं उसमें अक्सर जितने भी कलर्स मुझे मिल रहे हों मैं ले लेती हूँ। इसी तरह इसमें ये तीनों कलर्स मैंने ले लिए थे, वाइट, मल्टी कलर एंड ब्राउन कलर। नेक्स्ट एक और झुमकी है, ये थोड़ी डिफरेंट है। एक सेकंड, ये इस तरह से बनी हुई है, ग्रे एंड ब्लैक इसका कलर है और मल्टी कलर साथ कम्प्लीमेंट हो रहा है इसके। मल्टी कलर के छोटे छोटे से इसके नीचे पर्ल्स लगे हुए हैं। ये देखिए, नेक्स्ट अपना दूसरा पैकेट ओपन करते हैं, इनको थोड़ा साइड पे कर देते हैं। इस पैकेट के अंदर भी डिफरेंट टाइप की झुमकी की ही कलेक्शन है। इसके अंदर एक ये वाली बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी झुमकी है। ये बहुत लाइट वेट है, मैंने आई थिंक ये 150 की ली थी और बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है ये। इसके बाद एक ये क्यूट सी छोटी सी झुमकी टाइप इयररिंग्स हैं, और उसके बाद हमारे पास एक ये है झुमकी स्टाइल में ही इयररिंग्स। ये है हमारे पास ग्रे एंड ब्लैक कलर में, और सेम इसी तरह के मैंने लिए थे रेड एंड ग्रीन में, मुझे ये भी मिल गए थे। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने कुछ और इयररिंग्स, इनको हम थोड़ा सा साइड पर कर लेते हैं। आप ज्वेलरी को जितनी अच्छी तरह पैक करके ध्यान से रखेंगे, ज्वेलरी उतनी देर तक आपकी ख़राब भी नहीं होगी, उसका कलर भी ख़राब नहीं होगा, इस चीज़ की आप केयर करें। ये मेरे पास है कुछ गोल्डन एंड सिल्वर में ज्वेलरी। ये एक बहुत ही प्यारे से क्यूट से इयररिंग्स हैं, ये 300 के हैं। और उसके बाद मेरे पास है एक ये गोल्डन में इयररिंग्स, ये थोड़े बड़े हैं, लाइक थोड़े लंबे हैं, और ये आप फॉर्मली पहन सकते हैं, कैजुअली यूज़ नहीं हो सकते। तो मैं इधर रखती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है एक ये वाले सिल्वर में इयररिंग्स, इसके ऊपर एक प्यारा सा फूल बना हुआ है, नीचे एक ये वाला मोती लगा हुआ है, वाइट कलर का पर्ल है इसके नीचे। और ये इयररिंग्स आप लोग देख सकते हैं, इनका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये इयररिंग्स मैंने पहने थे अपनी 10th क्लास की फेयरवेल पे। तो ज्वेलरी को ध्यान से रखें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। ये इसका है सेकेंड पीस, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी, ये एक और हैं इयररिंग्स, ये वाइट कलर के हैं, ये अभी तक मैंने एक भी बार नहीं पहने। और ये कुछ और इयररिंग्स में, एक ये है सिल्वर में। इसके बाद मैं आपको अपनी एक और क्यूट सी प्यारी सी झुमकी दिखाती हूँ, ये है ब्लू कलर में। ये सिर्फ आप ब्लू ड्रेस के साथ ही पहन सकते हैं।
इसके बाद है हमारे पास एक ये वाले इयर रिंग्स। ये मुझे एग्जैक्टली नहीं यार मैंने कहाँ से लिए हैं, बट ये वाइट एंड ब्लैक के साथ पहने हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट एक ये वाले इयर रिंग्स हैं, ये भी सिल्वर एंड वाइट में है और ये भी आप फॉर्मली पहन सकते हैं, कैजुअली यूज नहीं हो सकते। इसके अलावा यह है इसका दूसरा हिस्सा, इसके अंदर भी कुछ इयर रिंग्स हैं, ये लूप्स हैं मल्टी कलर में, आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं पहने जाते, आप फॉर्मली पहन सकते हैं, बट ये कुछ से पहले काफ़ी ट्रेंड में थे तब मैंने लिए थे। ये बहुत ही डिसेंट से वाइट कलर में लूप्स हैं, लूप्स का आजकल दोबारा से काफ़ी ट्रेंड आ रहा है। इसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए हैं और ये इस तरह से हैं। इसके अलावा ये एक ब्लैक में भी लूप्स टाइप इयर रिंग्स हैं, ये देखिए एक सेकेंड इसमें थोड़े आ गए हैं, ये एक सेकेंड में निकाल लूँ, ऐसे हो गया। ये देखें, ये काफ़ी पहले मैंने लिए थे बट ये ज़्यादा पहने नहीं गए। इसके अलावा ब्लैक में एक ये लूप है मेरे पास, लूप स्टाइल में इयर रिंग्स। इसके अलावा इसी बॉक्स के अंदर एक ये पिंक में है इयर रिंग्स, इनको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक ये वाइट कलर के इयर रिंग्स, एक सेकेंड ये देखिए। ये हैं वाइट एंड सिल्वर में और इसकी बैक साइड पर मैंने एक और इयर रिंग्स लगाए हुए हैं, ये भी वाइट एंड सिल्वर में ही हैं। इनके ऊपर एक छोटा सा लूप बना हुआ है, लाइक बालियों वाला स्टाइल है इसका। और इसके अलावा हमारे पास हैं एक ये वाले इयर रिंग्स, मैं खोल के दिखाती हूँ, ये वाला भी पैकेट। इसके अंदर ये क्यूट से छोटे से एक वाइट एंड गोल्डन इयर रिंग्स हैं और एक ये गोल्डन मैरून एंड वाइट कलर के हैं, एक ये वाले क्यूट से लूप्स हैं। इसके अलावा इसी बॉक्स के अंदर हमारे पास हैं एक ये वाले इयर रिंग्स, ये स्टाइलों के हैं और झुमके स्टाइल में बने हुए हैं, ये भी आप फॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास हैं एक ये वाले रेड कलर के इयर रिंग्स जो कि ज़रा एंटीक स्टाइल में है, बट ये वाले आप फॉर्मली सिर्फ पहन सकते हैं, इसलिए मैंने काफ़ी कम यूज़ किए हैं, आई थिंक एक बार पहने हैं। ये है इसका सेकेंड पेयर। एक ये ब्राउन में है, ओ ये वाले। इसके अलावा है यहाँ पर एक ये बहुत ही डिसेंट से वाइट कलर के इयर रिंग्स, इसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए हैं। और उसके बाद एक ये वाला पैकेट रह गया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और हमारी इयर रिंग्स की कलेक्शन हो गई है कंप्लीट। इसके अंदर भी कुछ क्यूट से छोटे छोटे से इयर रिंग्स हैं, लाइक दिस वन, और ये इसके अंदर थोड़े से इयर रिंग्स हैं जी। तो गाइस, आपको मेरे इयर रिंग्स की कलेक्शन कैसी लगी? आई होप आप लोगों को मेरे इयर रिंग्स की कलेक्शन अच्छी लगी होगी। वीडियो बनाना ज्वेलरी पर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फोकसिंग में बहुत इशू आता है, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में हमें भी याद रखें। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।